बलिया में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बैरिया थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर का है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाली बेटी की उसकी ही मां ने हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्रा की मां अद्र विक्षिपत भी है और उसने ये गुनाह खुद कबूल किया है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने गुनाह को मानने से इंकार कर दिया। अच्छा, तुम्हारा आपका क्या नाम है? चिंता। चिंता, लड़की क्यों मारी बता? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही मार दी? हाँ। कुछ काम कुछ था, कुछ उसे गुस्सा थी, क्या थी, क्या बताओ? नहीं, गुस्सा ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही मार दी? किसी से मारी हो? पांसुल से मारी हो? कब मारी हो? सुबह 5 बजे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? संसार डरा। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था तो क्यों मार दी? क्यों? झगड़ा बहुत दिन से चल रहा था। किस चीज का झगड़ा था? ये घर के मामला में बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था। सारे लोग हम लोग का बुरा मान रहा था, सारे बोल रहा था, ये भी चिल्ला के कुछ भी बोलता रहा था। तुमको? हमारे घर वाला को। अच्छा, कौन बोलता था? हमारे पड़ोसी जो जितना था ना वही बोल रहा था। अच्छा, पड़ोसी बोल रहा था? बहुत बोलते थे। तो लड़की क्यों मारी? लड़की को हम नहीं मारे सर। वही छात्रा के पिता ने बताया कि घर के खर्चे को चलाने के लिए वो हमेशा घर से बाहर ही रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अद्र विक्षिपत भी है। संसार का टोला। ये कैसे आपकी पत्नी जो है अपनी सगी बेटी को ही इस तरह से गला जो है चढ़ा दी? विश्वास तो हमको भी नहीं हो रहा है सर जी, कि ऐसा एक बेटी को माँ कर सकती है। हाँ। लेकिन मानसिक स्थिति खराब के चलते आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो आप देख रहे हैं जो उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं चाय पी रहा था सर। जब हमको अब बुलाने भी आई वही तबाही करते हुए आई कि हो गया, मैं मार दिए। और उसके बाद मैं गया तो देखा कि एकदम लथपथ बेड पर पड़ी हुई थी। फिर मैंने वहाँ से उठवा कर, किस चीज से काटी है? अब ये सर हमने देखा नहीं है, वो सामने कहाँ लगा है? कई जगह है, गले में है, कान में है, बहुत भयानक चोट है सर हर जगह। उसके बाद पत्नी कहाँ है अभी? वही सर, अब ये भी नहीं कर सकते, मैं घर पर छोड़ कर आया। घर पर छोड़ कर आए थे? जी। कोई पहले से विवाद था क्या? कुछ विवाद तो पारिवारिक मैटर का है, करीबन 30-35 साल से 72 बीघा जमीन का सब आपस में सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन उससे इसको अब जोड़ कर नहीं देख सकते या कुछ कह नहीं सकते सर हम। हालांकि पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जाँच शुरू कर दी है। जयप्रकाश नगर के राजभूषण यादव की लड़की प्रिया यादव है। राजभूषण यादव की पत्नी कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, घर के पांसुल से अपनी लड़की को मार दी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। सर किस चीज से? कौन सा हथियार उसकी? पांसुल तो पांसुल से। ठीक है, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।